कचरों के ढेर पर या फिर घरों से अपने लिए कुछ तलाश करते ये छत्तीसगढ़ के अघोषित सफाई कर्मचारी हैं। इसके लिए नगर निगम या पालिका या पंचायतें कोई मजदूरी इन्हें नहीं देती। ये दीवार हैं जो घुमंतू जाति करतबों या फिर गीत गाकर अपना पेट भरते थे। आधुनिकता ने अब इनका व्यवसाय छीन लिया है। वर्षों पुराना अपना पुश्तैनी पेशा छोड़ अब वे बसा लिए गए हैं या फिर नालियों के किनारे सड़कों के किनारे अपना तंबू तान बस गए हैं। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में इन्हें बसा लिया गया है। इनको शासन सुविधाएं दे रही हैं ताकि वे तरक्की कर सके। छत्तीसगढ़ में तिलदा नेवरा महासमुंद पिथौरा में तो दीवार बस्ती अलग से ही है। अमूमन जहाँ ये रहते हैं वह दूर से ही चिन्हांकित हो जाता है। दीवार डेरा दीवार बस्ती दीवार मोहल्ला के नाम से उनकी बस्ती को पहचाना जाता है। आधुनिक समय में शहरों को सुंदर बनाने के चलते शहर के बीच से अब इनकी बस्तियों को उजाड़कर शहर के अंतिम छोर में इन्हें बसा दिया गया है। घर घर जाकर कबाड़ इकट्ठा कर अपने लिए दो पैसे जुटाने वाले ये दीवार इन दिनों बेहद मुश्किल में है। सरकारी मुफ्त राशन तो मिल जाता है पर सब्जी भाजी साबुन सोडा के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। खर्च के लिए सरकार इनके खातों में 500 रुपए डालने की बात कह रही है। इनके हालातों पर बस्तर के कांकेर के जुझारू पत्रकार तामेश्वर सिन्हा लिखते हैं, छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर में नगर पालिका अंतर्गत स्थित अघन नगर देवार जनजाति के निवास रत होने के चलते दीवार पारा भी इसे कहा जाता है। लगभग 45 परिवार यहाँ निवासरत हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय घरों से कबाड़ी इकट्ठा करना और सुअर पालन कर उसे बेचना है। साइकिल में दिन भर घर घर कबाड़ इकट्ठा कर उसे बेचकर इनका जीवन यापन चलता था। ये वो लोग हैं जो समाज के सबसे गरीब लोग हैं और जो किसी भी आर्थिक झटके से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि इनके पास अचानक आमदनी बंद होने से आई किसी मुश्किल का सामना करने के लिए बचत के नाम पर या तो कुछ नहीं होता या फिर मामूली सी रकम होती है। कोविड-19 के संक्रमण के चलते लॉकडाउन में इनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। कोई भी परिवार कबाड़ इकट्ठा करने नहीं जा रहा है। रोजमर्रा के राशन के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं है। कबाड़ इकट्ठा कर घर चलाने वाली अनिता नेताम कहती है, हमारा व्यवसाय और कोई दूसरा नहीं है, इसी से जिंदगी चलता था। हम लोग घरों से कबाड़ उठाकर बड़े कबाड़ी वाले सेठों को बेच देते थे, अब तो सब कुछ बंद हो गया है। अनिता कहती है कि पीडीएस का राशन तो मिला है, लेकिन हमारे खाते में अभी तक सरकार ने जो 500 रुपये डालने का वादा किया था वो नहीं आया। मेरा बैंक खाता भी है, मैंने दूसरों के मुंह से सुना है कि सरकार 500 रुपये खाते में डाली है। अनिता आगे कहती है कि सुअर पालन कर रहे थे, उसको भी पालिका वाले बोले कि गंदगी फैलता है, इसको शहर से बाहर पालो, पर कोई जगह नहीं बताए। बाहर कहाँ पालेंगे, पता नहीं अब क्या गंदगी करता है। 8 दिन का समय दिया गया है, हम लोग की स्थिति बहुत खराब है, पता नहीं कैसे करेंगे। खाने पीने में बहुत दिक्कत है, और जो गैस का भी पैसा आया घर के बोलते हैं तो गैस में कभी दे एक बार दिया था, दूसरा बार जाग बोलने से कहाँ का आएगा पैसा, यहाँ नहीं आया है, ऐसे बोलते हैं 5 साल 2 बार से कहाँ चलेगा। हम लोग तो 10-11 परिवार हैं, 11 परिवार हैं, असल में बस क्या है 2 किलो 3 रुपये और चावल दिया था, तो चावल हम लोग के यहाँ परिवार वाले करके चावल भी नहीं छूटता है, चावल भी मतलब 2 महीना नहीं चल पाता, इतना परिवार खाने वाले हैं, सब जवान जवान हैं, कोई छोटे बड़े नहीं है, कुछ काम ही नहीं है हम लोग का, तो है ही नहीं है, किसके यहाँ हाथ पर किसी किसी को लागा भी किए, उधारी किए हैं, उधारी करके तो लागा भी करने से कमाएंगे तभी तो छूटेंगे ना, ऐसी कर करके हम लोग उधारी बहुत पैसा। कबाड़ इकट्ठा कर जीवन यापन चलाने वाली संतोषी मंडा भी कहती है कि मेरा एक बैंक खाता था जो बंद हो गया है, गैस तो है ही नहीं,
कबाड़ इकट्ठा कर जीवन यापन चलता था, लेकिन अब तो वो भी बंद हो गया है। भूखे रहने की नौबत आ गई है, कहां से घर चलाने के लिए पैसा आएगा समझ नहीं आ रहा है। संतोषी आगे कहती हैं कि मैं, मेरे पति, दो बच्चों के साथ चार लोग हैं। परिवार में महीने का राशन दुकान से चावल फ्री मिलता है। चावल तो चल जाता है एक महीना, लेकिन शक्कर, दाल, चना कहां से मिलेगा। एक किलो शक्कर का 20 रुपए देती हूँ, बाकी साग सब्जी के लिए तो पैसा है ही नहीं। जिंदगी पूरी तरह से बेकार हो गई है। मिलता है तो खाते हैं, नहीं मिलता है तो भूखे ही रहते हैं। 500 रुपए महीने तो इतना कम है कि इससे अधिक रकम तो कुशल मजदूर एक दिन में कमा लेता है, और कोई अकुशल मजदूर भी इतना रकम 2 दिन में कमा लेता है। जरूरी सामानों के दाम पहले ही कई गुना बढ़ चुके हैं, और अब देश के कई भागों में आगे भी इनके दाम ऐसे ही रहने वाले हैं। इससे बहुत से इलाकों में रहन सहन का खर्च और भी बढ़ने वाला है। सब बंद हो गए, कबाड़ी भी बंद है, एकदम टेंशन है। न पैसा भी नहीं मिले, कुछ न गैस नहीं है, एकदम गरीबी जिंदगी। कभी शाम को सब्जी भी नहीं बने, कुछ चीज़ के नहीं होने, निरमा साबुन कुछ भी नहीं मिले। नहीं आए जो हावे खाता एक ठो तो बंद हो गए बोलते, लेकिन नहीं आए। लड़का मन के भी हावे खाता, वो मन में नहीं आए, लेकिन मोहल्ला के 2-3 जन के वहाँ आए, उसमें लड़का भी है तेजी, लेकिन मोर खाता में नहीं आए। राशन छोड़ा जाते हैं, चावल फ्री मिलते, चना शक्कर गुड़ के पैसा लेते हैं। चना और गुड़ के अभी 35 रुपये ली से, और शक्कर के 20 रुपये लेते एक किलो के। चावल बस तो पूरा एक महीना चलते, शक्कर मत करते नहीं चले, चना वाना मन नहीं चले, एकदम बेकार जिंदगी है। ओला ओला मंगथन जे देते तक खाता, नहीं देते नहीं मिले। वहीं इसी बस्ती की वेदवती नेताम कहती हैं कि मेरे खाते में 500 रुपये आया था, लेकिन राशन पानी में ही 500 रुपये 2 दिन में ही खत्म हो गया। कबाड़ का व्यवसाय पूरी तरह बंद है, उसी से जिंदगी चलता है। मेरे बस्ती में कई महिलाओं के खाते में 500 आया भी नहीं है। अब सरकार कहती है कि राशन फ्री दे रहे हैं, चावल खाकर जिंदा थोड़ी ना रहेंगे, नमक तेल साबुन भी तो लगता है। हम लोग कैसे जी रहे हैं खुद जानते हैं। पार्षद को बोले थे, कुछ आर्थिक मदद दिला दी, लेकिन बस एक बार राशन मिला कि नहीं देखने आए थे बस। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, अंदर पानी सब बंद थे, चावल दे थे राशन में, बस वो चावल दे के भरोसा है, तो आने 500 पैसा दे जैसे, वो 500 तो 2 दिन भी नहीं जाए। एक बार बहुत परेशानी हो रही थी, नमक भी बंद हो गए, चावल बस दे थे, तो चावल ही में कितना दिन खाली चावल ही खा के थोड़ी ना रहो, इतना दिन चल गई 500 2 दिन में खत्म हो जाते हैं। 7-8 परिवार रखन एक ककरों में आए ककरों में नहीं आए, अब मोर में आए तो अब बाकी है तेकर मन में नहीं आए। तो जिंदगी कबाड़ी का है, और कुछ रोजी नहीं है हम लोग का, खाली कबाड़ी करते हैं, पूरा बंद हो गया है कबाड़ी, और बहुत ज्यादा परेशानी। इस संक्रमण के दौर में कबाड़ इकट्ठा करने वाले देवार लोग आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। कबाड़ इकट्ठा कर अपना जीवन यापन चलाने वाले दीवार लोग अब घर में ही हैं। अधिकांश महिलाओं के खाते में सरकार के वादे के अनुरूप 500 रुपए अभी तक नहीं आए, लेकिन संकट की घड़ी में भी दीवार महिलाएं आपसी सामंजस्य से एक दूसरे का मदद जरूर कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को देश के नाम संबोधन में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और अलग अलग वर्गों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, जिसे आत्मनिर्भर भारत योजना का नाम दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रोजाना क्षेत्र से जुड़े आर्थिक पैकेज को पढ़कर सुना रही हैं। लेकिन इन दीवारों को इस आर्थिक पैकेज के क्या लाभ हैं, जिनका एक बैंक खाता तक नहीं है। सरकार ने तो महिला खाता धारकों को 500 रुपए देने को कहा था, लेकिन इन तक राशि कैसे पहुंचे? अगर 500 आ भी गए तो क्या ये इससे अपनी जिंदगी चला सकते हैं? ये लोग दिहाड़ी, हफ्तावार या माहवारी मजदूर पर गुजर बसर करते हैं, और जब लॉकडाउन के कारण देश में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो रही हैं, तो भारतीय समाज का यही तो वो तबका है जो इस लॉकडाउन के दौरान सबसे मुश्किल में है।